जी ठेकेदार साहब, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, काम में तो बिल्कुल ढिलाई नहीं होगी। अरे पता है हमारे को, तभी तो सारा कुछ छोड़ना हुआ है सारे पे। जी तुम यहां? मानना पड़ेगा। अरे बेशर्मी की भी हद होती है ठेकेदार साहब, इसकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी आपको। हाँ, सारा काम धाम छोड़कर मुझ पे डोरे डाल रही थी, और जब मैंने इसे झाड़ा तो सारे मजदूरों के सामने हंगामा खड़ा कर दिया इसने। अरे जबान बंद रहा कपड़ी, नहीं तो और एक थप्पड़ जड़ दूंगी तारे गाल पर। जिसमें गरीब की मजबूरी का फायदा उठाने की बेशर्मी हो गए, उसमें इतनी हिम्मत कटे से आवेगी कि अपनी कर तो सबके सामने बोल सके। झूठ, ठेकेदार साहब झूठ बोल रही है। एक मिनट, हाँ भाई छोरी की बात हो गई, मैंने बता आपने बताओ। हाँ। चोर की फरियाद लुटेरे से करूंगी तो न्याय ना मिलने वाला मने। आप कौन से अलग हो इनसे? इसने गरीब की इज्जत चुरानी चाहिए और आपने जमीन लूट ली, एक ही मां के जाए हो दोनों। पापियों के यहां मजदूरी करूं मैं, या मजदूरी करूंगी तो पाप की रोटी ही खाऊंगी, भूखी मर जाऊंगी, लेकिन अब इस रोटी का एक भी निवाला मारे को कि मारे परिवार को ना खाना। ना करनी मैंने नौकरी हटे, और जो घर भी आप लोगों ने दिया वो छोड़ के जा रही हूं मैं। ए सुनो, ए रुक तो मेरी बात। ठेकेदार साहब जाने दीजिए ना, ऐसी एक जाती है तो सौ आ जाती है। मैंने सच सच बता क्यों होया था? बताया ना ठेकेदार साहब, अब वो औरत मेरे पे डोरे डाल रही थी। मेरी बात नहीं सुनी तने? मैंने कहा है कि मैंने सच सच बता क्या होया था, वो नहीं जो तू कहना चाह रहा है। मैं थारे को भी अच्छी तरह जानता हूँ, उस औरत को भी बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, इसलिए बेहतर यही है कि तुम मने सारी बात सच्ची सच्ची बता दो। वो क्या ठेकेदार साहब की इसके बींद के पैर में बहुत बड़ा घाव है, और उसके ऑपरेशन के लिए ये पैसे मांगने मेरे पास आई थी। बस मैंने कहा कि मैं मुंबई जा रहा हूँ, अपनी छोरी को मेरे साथ भेज दे कुछ दिनों के लिए, अब पैसे कमा लाएगी। बस गरीब की मदद करने के लिए पूछा भर था, अब भेजना ना भेजना तो उसकी अपनी मर्जी थी ना। बस मजदूरों के सामने हंगामा खड़ा कर दिया। ले बिन्नी, थोड़ा सा कुछ खा ले, बाद में दवाई भी पीनी है ना, देख तारे को बुखार भी है। बात मान, अपनी जिद छोड़, ले कुछ खा ले। अरे कुछ खाएगी नहीं तो ठीक कैसे होगी तू? ले खा ले। अरे खा ले थोड़ो सुख। अरे जिद ना कर, अब खा ले।
ठीक है। जहर खा के अपनी जान देने की कोशिश की आपने, एक बार सोचा भी नहीं आपने कि आपके बिना कैसे जिएगा आपका बेटा। मैं कहा जी पा रही थी दादे बगैर। अब तो आ गया है, मैं ठीक हो जाऊंगी। अबे शाम ले के आचे तो खाना खाएगी कि नहीं है? आ गया ना शाम, कल थारी बींदनी भी आ जैसी। हाँ अरे कल का मुहूर्त निकला है, अबे फटाफट खानो खा, दवाई खा के टना टन उजिया। अरे बींदनी को घर पे लाने की तैयारी करनी है नहीं करनी है, है? अब अपनी कसम तोड़ दे कि भाई अपने छोरे के हाथ से ही खाना खाऊंगी। ओ आ गयो थारू गीगलो, खा बे खानो खार तैयार हो जा, चलो चलो उठो। श्याम के बापू, ऐसा करके आपने मारे कुने जिंदगी दी है। नाम ना, चलो उठो खाना खा लो बापू। हाँ अब मैं आ गया हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। चलो खाओ। चलो निकलो यहां से जल्दी। काम चोर कहीं के, अरे कर्म से ही भिखारी होते हो तुम लोग। जाओ यहां से। हमारे को ना पता लगा, भगवान जाने हमारे नसीब में क्या लिखा है। सुनो ये ले लो। जे के थारे को थारे बिंद के इलाज के लिए पैसे चाहिए थे ना, हुकुम ने भेजे हैं, पूरे 15,000 है। 15,000 ये लो, हुकुम खुद ही आ गए। ले जा अपने बीन ने अस्पताल में, मैंने डॉक्टर से बात कर रखी है, आराम से इसका इलाज हो जाएगा वहां। अगर और भी किसी चीज की जरूरत होगी तो बोलना। हमारी जमीन छीन के जिया लाके खड़ा कर दिया हमारे को, और अब दया दिखा रहे हो? कुछ ना चाहिए आपसे हमारे को? ना ना ना, पहली बात तो यो है कि थारे दिमाग में जो हमारे खिलाफ ये उल्टी सीधी बातें हैं ये सारी निकाल दे। मारे से तो वैसे ही किसी का दुख नहीं देखा जाता, और मैं तो तुम लोगों की जमीन वापस करने ही वाला था कि थारी छोरी और इसके बीन से पता चला कि तुम लोग तो कल्याणी देवी के रिश्तेदार हो। बस मारे भी पुराने घाव हरे हो गए, और गुस्से में तो आदमी की मति मारी जाती है, पता ही है आपको। नाराजगी कल्याणी देवी से थी, और नुकसान हम बेचारों को उठाना पड़ा। अगर थारी थोड़ी सी भी मदद कर सकूंगा, तुम्हारे मन से
बोझ हल्का हो जाएगा। कोई मदद ना चाहिए आपकी? हमारी माँ समान जमीन छीनने वाले से कुछ ना चाहिए हमें? कभी माफ ना करूंगी आपको मैं। अरे जमीन जाने का दुख मैं जानता हूँ, और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम लोग बहुत खुददार लोग हो। अरे मैं थारे ऊपर कोई उपकार नहीं कर रहा हूँ, थारे से जब हो सके जैसे हो सके मारा पैसा लौटा देना। अरे अभी तो जाके अपने बींद का इलाज करवा लो, जान है तो जान है। मैं थारे को अपने घर में ही किसी काम में लगवा दूंगा, काम करके पैसे चुकता कर देना मारे। अरे इसमें इतना सोचने वाली के बात है? अरे मैं कोई डाकू लुटेरा ना हूं, और ना ही वो कल्याणी देवी की माफिक पत्थर का काल जाए मारा। यो जरा सी छोरी अगर अपने मां बाप की चिंता करके मारे पास अपनी जमीन वापस मांगने आई गई थी तो कौन सा जुलम हो गया था? और घर से निकालने की सजा देनी थी कल्याणी को तो अपने पुत्र को भी देती। पर बहुत स्वार्थी औरत है वो, बहुत स्वार्थी औरत है। मारे कहने की तो बात भी नहीं है, थारे ध्यान में तो खुद ही होगी यो बात। भाई अब फैसला थारे हाथ में है। एक तरफ थारे पति का जीवन है और दूसरी तरफ थारा गुस्सा। जो थमने ठीक लग गया वो कर लो। एक हफ्ते के अंदर अगर इसका ऑपरेशन नहीं हुआ तो आपका पैर काटना पड़ सकता है। सुनिए, ये पैसे ले लूं मैं। भागो, क्या कर रही है? भागो तू, क्यों क्या कर रही है तू? चोरी के सासरे के रिश्तेदार हैं ये, इनसे पैसे कैसे ले सके हम? कौन सा सासरा, कैसे रिश्तेदार? आनंद के पापू, मारे को कुछ ना पता है। मैं बस इतना जानू कि मारी लाड़ो के बचपने की सजा मिली उसे। मारे को बस इतना पता है कि मारा घर मारी जमीन सब छीन गया मारे से। मारे बीन के इलाज के लिए मारे पास पैसे ना है। जे पैसे की जरूरत है मारे को, बस इतना ही पता है मारे को, और कुछ ना। बावड़ी ना बन भागो, जे पैसे ले लिए हमने तो हम ऐसे के लिए बंधुआ मजदूर बन जाएंगे इनके। सब सह लूंगी मैं आनंदी के बापू, लेकिन आप अपाहिज हो जाओगे, जे ना सह पाऊंगी। आप हो तो मैं हूं, आप हमारे साथ हो तो सारी दुनिया से लड़ लूंगी। आप ना रहोगे तो क्या करूंगी इस झूठी इज्जत का, बोलो मारे को। सुखिया इन्हें अस्पताल ले जा। चलो आना देखिए पापा, चलो चलो। लाड़ो जो भी बात करनी अस्पताल जाके करेंगे। चल तू, चलो ना आनंद के बापू, जल्दी चलो ना। चल आ जा, संभाल के आ जा, आ जा। चल लाड़ो, चल संभाल। अरे हवेली में ले चल इनका सामान। जी साहब।
तो माखन जे पैसे रख ले और जरूरत हो तो मांग लीजो। रात भर में जब पूरी की पूरी हवेली नई दुल्हन की तरह सजी होनी चाहिए ना तो एक एक के कान मेटूंगी सजा दूंगी सो अलग। आई समझ में? जी जी। अरे बसंत तू कहाँ भागा जावे? अरे मासा इतने सारे इंतजाम करने हैं, हलवाइयों के लिए सामान लाना है, बारातियों के स्वागत और विदाई की तैयारी करनी है। हाँ जा जा जा। अरे सुमित्रा, अरे गैना, किसी को चिंता ना है, इतना सारा काम पड़ा है। गैना, सुना की विदाई के लिए जितनी खुशी हो रही है ना, ये घबराहट सी भी हो रही है मन में। एक बार सब कुछ अच्छी तरह से हो जाए तभी चैन की सांस ले पाऊंगी मैं। सुना के बापू यहां होते तो हिम्मत बंधी रहती, लेकिन ये बात सच है जीजी कि भाई साहब होते तो किसी तरह की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं होती। लेकिन आप देख लेना, इस बार बिना किसी बाधा के सब कुछ कुशल मंगल हो जाएगा। जितनी परीक्षा लेनी थी भगवान को वो ले चुके, हमारी सुगना ने बहुत दुख सहे हैं, अब उसकी झोली उसके हिस्से की खुशियों से भरकर ही रहेंगी। हाँ कहना, तेरी माँ सुगना को वो सारे सुख जरूर देंगी जो अधिकार है सुगना का। तो बस इस बात का, इतने लंबे इंतजार के बाद इतनी बड़ी खुशी आई है हमारे घर, लेकिन उसका हिस्सा बनने के लिए ना ही तो सुगना के बापू यहां है और ना ही उसकी एकाएक भाभी। लो, सारा काम दूजों के मत्थे छोड़ के दोनों जेठानी देवरानी जहां खड़ी हैं, सूरज देवता पूछ के ना आवेंगे कि भेणा सारी तैयारियां हो गई आ जाऊं? अरे सवेरा होने में देर कितनी है, कब निपटावेंगे सब कुछ? और छोरी की मेहंदी भी तो लगानी है। चल चलो नीचे चलो, तुम लोग चलो चलो आ जाओ चलो। देखो सुमित्रा, भरी तरह सुन ले, भारी पोती की विदाई ये कर, हमारे जीवन की सबसे बड़ी खुशी का दिन और ऐसे शुभ दिन पे किसी से शिकायत करके अपना मन खट्टा ना करना मने। हाँ, पर नाराजी अब भी है और रहेगी। हाँ बस अभी याद करने की जरूरत ना समझू, अभी खुशी मनानी मने। हाँ समझ गई ना, अब चल। मासा वो बिलारिया संदेश भिजवा दें, अभी भी समय है, सवेरे तक आ जाएंगे वो लोग। किसकी बात करे तू सुमित्रा? आनंदी और उसके कौन? मान न मान मैं थारा मेहमान, जिन लोगों से रिश्तेदारी ना रही उन्हें अपनी पोती की विदाई में बुलाने का क्या मतलब? मैं तो कभी ना बुलाऊं। क्या खानदान की इज्जत और मान मर्यादा का मोल एक मासूम की जिंदगी से उसकी भावनाओं से अधिक है?